press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो में आप देखेंगे आरजू काजमी जी के शो में हरी मोहन जी को, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, और उनके और मौलाना साजिद रशीदी के बीच में एक बहुत ही दमदार और मजेदार डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। टीम आई थी पहले जिस तरीके से परफॉर्म अमेरिका में करके गई थी, हालांकि अमेरिका में दिस स्पोर्ट इज नॉट पॉपुलर। क्रिकेट अभी भी गोरों से पूछा जाए तो वो समझते हैं शायद क्रिकेट ये जो केकड़ा होता है चलने वाला है, वो है, इनको कोई पता नहीं क्रिकेट क्या है। लेकिन आपकी टीम आती थी 300-300 pounds के उसके खिलाड़ी थे वहां। फिर उसके बाद ये जो उसके बाद अगले दिन पिछले दिनों आपकी टीम एक हॉकी की टीम वो जाने लगी चाइना, उन्होंने 67 खिलाड़ियों के लिए 5 crore रुपया मांगा। टीम में प्लेयर होते हैं सारे 11, 67। और फिर अगर आप सीरियस ही नहीं है इस चीजों में तो इन पे इतना पैसा बेच रहे खर्च करने की क्या जरूरत है। लेकिन साजी साहब मेरा सवाल इसके अंदर ये था कि क्या ये स्कर्दू गिलगित ये बाद में अभी का फैसला है, पहले नहीं किया गया था? क्यों सर वो करेंगे, देखें जो शाह साहब हैं, जय शाह साहब, वो भी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर हेड के लड़के हैं। दूसरा आईसीसी सारा इन्फ्लुएंस इंडिया का, क्योंकि सबसे ज्यादा फंडिंग इंडिया से आती। तीसरी उसमें हमारी तरफ से नकवी साहब हैं, अल्टीमेटली उनका भी बैकग्राउंड जो है वो शाह साहब की तरह का मिलता जुलता है। तो इसमें दर हकीकत अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियां ही नेक टू नेक एक दूसरे टेट फॉर टेट चल रही है। उसमें जो इन्होंने प्रपोजल दी थी कि जी उन्होंने प्रपोजल दी थी कि मिडल ईस्ट में कहीं कर लें, किसी और जगह पे मैच कर लें, और ये कहते थे कि हम वहां नहीं करेंगे। तो लेकिन मैं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के इश्यूज और ज्यादा कई और इश्यूज हैं इनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बजाय okay. देखिए उसमें मिसाल देना चाहूंगा, डॉक्टर जयशंकर साहब बड़े अरसे बाद पाकिस्तान आए, तशरीफ लेकर आए, उनका दौरा बड़ा कामयाब रहा। पहले तरह बॉडी लैंग्वेज नहीं थी उनकी, वो रुके वहां पे, चाहती दफा उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, उन्होंने चीजें भी की, स्माइलें भी एक्सचेंज हुई, प्लेजेंटरी भी एक्सचेंज हुई। वो चले गए वापस, आखिरी स्टेटमेंट में जाते दफा कह गए कि पीस फर्स्ट ट्रेड लेटर, लेकिन जाते गए एक हफ्ते के अंदर अंदर कश्मीर के अंदर टनल के अंदर 7 लोगों को मार दिया गया। और साथ ही वो एक जो लश्कर तैयबा की बाई प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन उसने यहां पे कुछ जी। मैं मेरा पॉइंट ये है, अगर उनका वो उनका एतराज ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्टिंग, अगर स्टेट इन्वॉल्व नहीं है तो स्टेट बावर क्यों नहीं कराती, उनको यकीन क्यों नहीं देती कराती कि वी आर विक्टिम आर सेल्फ, अपने केस को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश क्यों नहीं किया जाता, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा जाए कि वी आर विक्टिम। और वाकई पाकिस्तान विक्टिम है इस वक्त अगर देखा जाए। उसकी वजह यह है केपीके के अंदर खान साहब की गवर्नमेंट ने ना सिर्फ तालिबान को छोड़ा जेलों से बल्कि उनको ला के आबाद कराते रहे, आज वो मोटरसाइकिलों के ऊपर गाड़ियों के ऊपर अपने झंडे लगा के फिर रहे हैं, उनके ऑफिस वहां पे मौजूद हैं टीटीपी वालों के। दूसरी साइड बीएलए है बलूचिस्तान के अंदर, यहां से इतराज ये भी होता है कि आप बीएलए को सपोर्ट भारत करता है, ठीक है अगर करते हैं उनके सामने रखें सारा कुछ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने केस रखें कि देखें जी हमें इधर से टीटीपी मार रही है ये देखें, और उधर से बीएलए मार रहा है उसमें भारत अगर इन्वॉल्व है उनको बताया जाए, लश्कर तैयबा को हम सपोर्ट नहीं करते तो ये भी इनके सामने खोल के रखें। दर हकीकत इनको एक अच्छे वकील की जरूरत है जो इनका केस ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि भारत के सामने भी रख सके अगर वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। वजह क्या है कि आपको भारत के साथ ट्रेड की जरूरत है, उनको आपके साथ ट्रेड की जरूरत नहीं है। अच्छा चलें छोड़ दें भारत के साथ आपने आगे मूव कर नहीं करना, लेकिन आपके तो सारे पड़ोसियों के साथ हालात खराब है। देखा जाए तो अफगानिस्तान आपसे परेशान है, उन्होंने ट्रेवल एडवाइजरी दे दी है पिछले हफ्ते। देखे ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि आईसीसी ने ये कर दिया है तो आपके जो पठान भाईजान है अफगानी वो भी तो ट्रेवल एडवाइजरी देकर बैठे हैं आपके ऊपर, वो भी तो परेशान है आपसे, वो कहते हैं बल्कि आप लाइबिलिटी है पूरी दुनिया के लिए। दिस इज द हफ्ता 10 दिन महीना डेढ़ पहले तालिबान ने स्टेटमेंट दी है, हम परेशान है आपके हालात की वजह से। चाइना भी आपसे नाराज है, अब आज की खबर ये 2-4 दिनों की खबर चल रही है, वो कहते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट करने हैं अपनी फौज हम खुद साथ लेकर आएंगे अपनी हिफाजत के लिए लोग लेकर। तो ये देखिए ना, इस पे अगर हर पड़ोसी ही परेशान है तो हर पड़ोसी तो नहीं ना खराब हो सकता। देखें अपने इश्यूज को, देखें आप हैंडल करें उन कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी डाज बना दिया जिसका इसको रामास्वामी और चलाएंगे इलॉन मस्क।
इस वक्त 3 मिलियन एम्प्लॉय, इस वक्त सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा अभी तक फेडरल एम्प्लॉय, फेडरल गवर्नमेंट लोग घरों से बैठ के काम कर, और मेरे ख्याल में घरों से काम ये काम नहीं होते, घर सिर्फ बना होता है रिलैक्स करने। तो अभी तक अगर आपका सिस्टम नहीं चल रहा, आप अभी तक कोविड सिंड्रोम में फिर रहे हैं, तो आपको एक जंप शॉट की जरूरत है, आपको झटका देने की जरूरत है, और वो झटका ये लोग देंगे। 3 मिलियन में से सुना है 2 मिलियन उड़ा देंगे। यहाँ जिन स्टेटों में वर्जीनिया और मैरीलैंड के अंदर यहाँ बहुत ज्यादा फेडरल एम्प्लॉय हैं, उनकी नींदें उड़ चुकी हैं, उड़नी चाहिए। अमेरिका इज गोइंग डाउन, अमेरिका इज सिंकिंग। लोगों ने सारा, इस वक्त कैमला हैरिस के पास क्या था, पैसा सबसे ज्यादा उनके पास था, फंड रेजिंग की कैंपेन का पैसा सबसे ज्यादा उनके पास था। मीडिया टोटल लेगेसी, मीडिया टोटल उनको सपोर्ट है, नंबर टू। नंबर थ्री, पूरा फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर उनके साथ उनको उनको सपोर्ट कर रहा है। इन चीजों के बावजूद और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई जो अनलीश कर दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, मर्जी की अदालतें, मर्जी की स्टेटें, मर्जी की ज्यूरी, मर्जी के प्रोसिक्यूटर, 90 केसेस, अल कैपोन से ज्यादा केसेस, इसके बावजूद जो है वो 7 स्विंग स्टेट थी, सातों की सातों डोनाल्ड ट्रंप का साहब की तरफ गई, तो लोगों ने उनको मैंडेट दिया कि वी वांट दिस कंट्री टू सर्वाइव, वी वांट टू सी दिस कंट्री सर्वाइव, उनके पास मैंडेट, और मैंडेट वही डिलीवर करेंगे जो उनकी चीजों को समेत। आगे एक छोटा लास्ट पॉइंट उसमें आलिया, इस वक्त जो सेंसिटिव अपॉइंटमेंट्स हैं वो क्या होगी, CIA की अपॉइंटमेंट होगी या इंटेलिजेंस एजेंसियों की? अब मैं बात करना चाहूंगा तुलसी गिलबर्ट जी, यही बात करने लगती है। Exactly. हवाई से हैं वो, और पहली हिंदू कांग्रेस वुमन थी वो, और डेमोक्रेट थी, और डेमोक्रेट्स ने उनके ख्यालात की, उनकी चीजों की वजह, वेरी लॉयल, वो भी आर्मी में सर्व, आर्मी में शी वाज कर्नल एट द सेम टाइम, और जिस तरीके से उनको निकाला डेमोक्रेट पार्टी ने ह्यूमिलिएट करके, शी इज डिजर्विंग, मैं समझता हूँ शी इज द बेस्ट कैंडिडेट। दूसरी जो इस वक्त जो NSA होता है, दो अपॉइंटमेंट्स बड़ी सीरियस होती हैं, एक जिसपे तुलसी गैबर्ड बैठी है, दूसरी NSA, इन्होंने डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ सेंसिटिव मैटर्स को डिस्कस करना होता है। वो NSA जो नए बने हैं वो पहले यहाँ पे समोसा काकस, जो भारतीय काकस है, उसके वो को चेयर रह चुके हैं। दूसरा, ये तो इन्फ्लुएंस में आपको अप फ्रंट इन्फ्लुएंस बता रहा, मैं अजय बंगा, दूसरी अपॉइंटमेंट तो भी है रस्ते में है सारी, लेकिन आलिया जो मैं, जो दुनिया नहीं देख रही, जो मैं देख रहा हूं वॉशिंगटन DC में, कि इस वक्त अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर ज्यूइश लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्ग लॉबी इज इन इंडियन लॉबी, बल्कि उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते नजर आ रहे हैं वो, इस तरीके से कि जो टेक्नोक्रेट है, उनके CEOs हैं, उनकी तालीम है, जो इस वक्त अमेरिका को चलाया जा रहा है, तो वो इंडियन चला रहे हैं। वो किस तरह चला रहे हैं वो मैं बताना चाहूंगा। आईवी लीग स्कूलों में चले जाए, वहां बच्चे पढ़ने वाले सिर्फ चाइनीज हैं या इंडियन हैं। अब सेंसिटिव डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वो चाइनीज को तो नहीं दिए जा सकते, ना रशियन कॉर्पोरेशंस को दिए जा सकते हैं, किनको दिए जाते हैं, इंडियन टेक्नोक्रेट उनकी कॉर्पोरेशंस हैं, उनको दिए जाते हैं। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो हर बड़ी कंपनी जो है वो चला रहे हैं इंडियन टेक्नोक्रेट, अमेरिकन गवर्नमेंट को चला रहे हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं बड़े बड़े सेंसिटिव उनके पास, तो आप उनके इन्फ्लुएंस करना, उसको भी छोड़ दे। JD वाइंस जो है, जो इस वक्त सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग, उनकी उषा वाइफ, उनकी वाइफ भारती, ऋषि सोनक की वाइफ का प्रोफाइल आप पढ़ के देख लें, उनका प्रोफाइल क्या। तो दर हकीकत ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भारत के साथ रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग होंगे इनके, इसमें कोई शक नहीं। दोनों पार्टीज के अंदर, डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग इंडियन है। अमेरिका के अंदर पॉलिटिक्स दो चीजों से होती है, या पैसे से होती है, या वोट्स के साथ होती है। उनके पास वोट भी काफी ज्यादा है मुसलमान या दूसरे लोगों से, हाँ पैसा भी वो खुल के लगाते हैं क्योंकि पैसा है ही उनके पास। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और आरजू काजमी जी के शो में बोलान रशीदी और हरी मोहन जी के बीच में ये मजेदार और दमदार डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी, जहां पे आपने देखा हरी मोहन जी के सवालों का बेतुके और सिर पैर के बिना जवाब और तर्क देते रहे मौलाना। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।